फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस वक्त मुंबई से बड़ी गमगीन खबर आ रही है। साबिक एमएलए व मेयर शेख रशीद के भाई और एनसीपी लीडर आसिफ शेख के चाचा खलील दादा इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, खलील दादा इस दुनिया को अलविदा कह गए। मौसूला इत्तला के मुताबिक पिछले दो दिन पहले उन्हें मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में इलाज की गरज से दाखिल किया गया था, जहाँ उन्हें एंजियोप्लास्टी का मरहला दरकार था। आज दौरान इलाज तकरीबन 12-1 बजे के आसपास दिल का शदीद दौरा पड़ा और उन्होंने अहले खानों को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दोपहर से ही उनके इंतकाल की खबर पूरे शहर में गर्दिश करने लगी और बाद तस्दीक के हम ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। खलील दादा एक लंबे अरसे से जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे। वो आयशा नगर से चुनकर भी आए थे और उन्हें स्टैंडिंग चेयरमैन बनने का मौका भी मिला था। उसके बाद उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया और जमीन के धंधे में जुड़ गए। आसान किस्तों में गरीबों को इंतहाई कम कीमत पर प्लॉट मुहैया करके सर छुपाने का आसरा देना, लोगों की मदद करना गोया उनका शेवा था। जमीन के कारोबार में अपनी बेदाग पहचान रखते थे, इसलिए आवाम भी बिला खौफ व खतर और बिला किसी झिझक के उनसे जमीनी कारोबार किया करती थी। इमदाद के मामले में उनका हाथ हमेशा गरीबों के लिए खुला रहता था। रमजान के अय्याम में उनके घर के आसपास गरीबों और मसाकीन की भीड़ देखी जा सकती थी। उमूमन हंगामों से दूर रहते, मगर इलेक्शनी पीरियड में अपने भाई और भतीजे के लिए आवाम के बीच जाकर वोट की अपील किया करते थे। उनका इस तरह दुनिया से चले जाना किसी सदमे से कम नहीं है। यकीनन उनके इंतकाल के बाद उनके अहले खाना को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी बहुत सदमा पहुंचा होगा। खबरों के मुताबिक मुंबई से उनका जज्द खाकी निकल चुका है, जो उनके अहले खाना मालेगांव को लेकर रवाना हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन रात 11 बजे के आसपास बड़े कब्रिस्तान में हजार खुली वाले मकान से उनकी तदफीन होनी है। मानव समाचार दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना के साथ है, साथ ही अल्लाह से मरहूम की मगफिरत की दुआ करता है।